Rafters loose! Coming! Touch! का संकल्प पढ़ा, उसके शपथ को दोहराया। संकल्प की ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, वहां जब से ज्यादा पुलिस कर्मियों का कर्तव्य है कि हम संविधान की रक्षा करें, हमारी एकता और अखंडता को खुद बनाए रखना, वो हमारा मुख्य रोल है, मुख्य भूमिका है। और आप जानते हैं कि देश की बहुत सी ताकतें हमारी एकता और अखंडता को खंडित करने में लगे रहते हैं, बहुत सी ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, और पुलिस ने हमेशा इन चुनौतियों का सामना किया है, डटकर सामना किया है। उत्तराखंड पुलिस की हमेशा फोरफ्रंट में रही है, माओवाद को हमने जड़े जमाने से पहले ही ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। बाकी भी जितने सर्वकाश के एफर्ट्स होते रहते हैं उसमें भी लोग हमेशा फोरफ्रंट पे आकर के अपना कर्तव्य पालन करते रहे। एक डे टू डे लाइफ में भी पुलिस कर्मियों का रोल है, वो संविधान की रक्षा से सीधा जुड़ा है। हमारा संविधान हर नागरिक को बहुत से अधिकार देता है और उन अधिकारों की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। जैसा मैं पहले भी कहता रहा कि हमारे बहुत से नागरिक हैं, बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली डेवलप नहीं हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। जैसे बहुत से एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं जो क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं और लोगों को, असहाय लोगों को परेशान करते हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसमें हमें हमेशा फोरफ्रंट पे रहना चाहिए। मैंने जो आपको पहला मूल मंत्र दिया कि जिस समाज के लिए पुलिस बनी है उस समाज को सुरक्षा की भावना देना, ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है। उनके आप समाज के लोगों की के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना, ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है। जो पुलिसकर्मी इनको ढंग से पालन नहीं करेंगे उनकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी और की जाती रही है और आगे भी फिक्स की जाती रहेगी। आपके वेलफेयर के फ्रंट पे बहुत से काम हुए हैं, आपको पता है, विगत लगभग 2 माह में बहुत से लगभग कॉन्स्टेबल से लेके और डिप्टी एसपी तक सभी अधिकारियों के प्रमोशन हुए हैं। आप लोगों की लिविंग कंडीशन में कैसे सुधार और उसके विकास मेहनत करके उद्घाटन की योजना रणनीति बनाई जा रही है, काफी स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं। आपके ग्रीवेंसेस कैसे रिप्रेस किए जाए उसके तरफ हमने आपको बताइए, पुलिस मुख्यालय में ऑनलाइन सेल बनाया है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी समस्याएं भेजते हैं और लगभग 300 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण अभी तक किया जा चुका है। ये हमने पूरे सिस्टम को समाचार से लेकर के ग्रीवेंस रजिस्टर तक पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने का भरपूर प्रयास है। जैसे मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ, मेरा अनुरोध है कि इसको जब आपका ग्रीवेंस यहाँ पे 100% सुना जा रहा है, जब पूरा सिस्टम पारदर्शी है, तो इसमें इधर उधर से बाहरी एलिमेंट मत लेकर आइए। कोई सिफारिश, कोई दबाव, बहुत अनुचित दबाव, बहुत गलत है, ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों को
तथा आगे बढ़ते हैं।